ओके, तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यूनिट 10 पॉलिटी से लिंक कुछ क्वेश्चन, बॉडीज और कमीशन, इन सब के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था, तो संवैधानिक संस्था वही होगी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा। तो नहीं है पूछा है हमसे, तो इसका आंसर हो जाएगा मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है, एक्ट बना के बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और दूसरे ऑप्शन देखते हैं, तो राज्य वित्त आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लोकसभा का सचिवालय सब आर्टिकल में कहीं मेंशन है, और वित्त आयोग केंद्र का तो 280 आर्टिकल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर किया जाता है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान है, तो आर्टिकल 324 में है, अनुसूचित। और आप लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। अगर क्योंकि एक्ट जो है ये संसद में पारित हुआ और केंद्र सरकार ने इसको बनाया, अगर राज्य सरकार बनाती तो राज्य सरकार करती, तो केंद्र सरकार इस पर काम करेगी। भले ही ये एग्जीक्यूटिव स्टेट के अंदर होता है, क्योंकि स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का। भले एग्जीक्यूशन के पावर राज्य सरकार के पास है, लेकिन जो फाइनल इसमें नियम बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी, क्योंकि केंद्र का कानून है, सिंपल। केंद्र तथा राज्यों में मध्य वित्त का विभाजन निम्न से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है, तो वित्त आयोग का ये काम है सेंटर और स्टेट के अंदर फाइनेंस को बंटवारा करने का। और इसके जो सजेशन रहते हैं वो नॉन बाइंडिंग रहते हैं, सरकार चाहे तो एक्सेप्ट करे, सरकार चाहे तो ना एक्सेप्ट करे। और रिसेंटली अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है, ठीक है। अभी 20 में अपॉइंट हुए हैं ये। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था दी गई है, तो भाग 15 में दी गई है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 22 पार्ट है, तो वो पार्ट वार्ट याद करना रटना पड़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा साबित सिद्ध कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत है, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो राष्ट्रपति करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचन इनमें से कोई भी नहीं करेगा, वो कोई भी नहीं इसलिए करेगा क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अमंगेस्ट द मेंबर, जो सदस्य रहते हैं लोकसभा के, उन्हीं के बीच में से चुन करके आता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य हैं, तो निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य निकाय, तो 3 सदस्य निकाय है, 1+2, ठीक है ना। और 1+2 भी ऐसे है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी 2 कमिश्नर है, तो इस हिसाब से 1+2 हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 5/65 होता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर CAG और UPSC के चेयरमैन, इनका जो होगा 6 साल का होगा, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का 5/65। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है, तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 312 और 315 में आपको इनका मेंशन मिल जाएगा, 315 में स्पेशली, ठीक है, स्टेट PSC का भी और UPSC का भी। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है, तो संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति संसद में रखेगा इसको। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, तो 1919 ली कमीशन का इसमें रोल आता है। ली कमीशन जो है सिविल सर्विस से संबंधित है, तो 1919 के एक्ट में पहली बार सिविल सेवा का गठन किया गया। निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करता है, तो ये काम जो होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, तो रॉस बार्कर साहब थे, ब्रिटिश है तो साहब ने लगाएंगे इनके साथ, रॉस बार्कर थे प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, मतलब पता रहता है, ये मोटा फैक्ट है। भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया 315 और 312, स्पेशली 315 मैंने बताई था आपको। लोक सेवा आयोग इनमें से किन संवर्गों की परीक्षा करता है, तो इसके ऑप्शन जब आप देखेंगे तो ऑप्शन देखो, राज्य सेवा तो नहीं है, राज्य सेवा की कौन करता है, स्टेट PSC करता है। अखिल भारतीय सेवाओं की करता है और केंद्रीय सेवाओं की भी करता है, ठीक है। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं 3 है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस है। फॉरेन सर्विस जो है सेंट्रल सर्विस है, तो फॉरेन सर्विस की भी UPSC करता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन भी हो जाए, बी भी हो जाएगा। तो ये थोड़े से ऑप्शन जो बने वो ऑप्शन सही नहीं बने, ठीक है। मतलब ऑप्शन में ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं के भी करता है, जैसे डानिक्स एक कैडर होता है UPSC के अंदर ही, दानिप्स होता है, ठीक है। तो तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और अलाहाबाद में किस वर्ष में आयोजित की गई, तो 1922 में की गई। ये अच्छा फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। IAS का जनक किसे माना जाता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
सरदार पटेल को माना जाता है, बहुत ही विजनरी आदमी थे। इनके नाम पे एकेडमी है आईपीएस जहाँ पे ट्रेन होते हैं हैदराबाद के अंदर। बहुत ही विजनरी आदमी थे ये, ठीक है, बहुत सम्मान है इनके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युग्मों का सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। इसका आंसर जो है प्रवर्तन निर्देशालय जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रवर्तन निर्देशालय रॉन्ग आंसर है, जिसका गठन हुआ था 1956 में, बहुत पुराना है। प्रवर्तन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बोलते हैं इसको, 1956 में बन गया था ये। बाकी अन्वेषण ब्यूरो 63 सही है, सतर्कता आयुक्त तो याद ही कर लो आप क्योंकि सिलेबस में मेंशन है 64, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 88 में बना था, ये भी करेक्ट है। आगे चलते हैं अपन, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठन किया गया, तो संता नाम कमेटी की सिफारिश पे गठित किया गया। सुमेलित नहीं है देखना है हमको। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू अब तो बिल्कुल मतलब अभी रिसेंटली पहले ये गवर्नर थे कश्मीर के। प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया, बिल्कुल ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का ये भी सही, इस पर रुकते हैं हम लोग। हरित प्राधिकरण गोयल साहब हैं, ये भी सही है, ठीक है। इसका आंसर जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के कानून को नहीं है, इसका आंसर जो हो जाएगा नंद कुमार साई है, प्रियंका का वो नहीं है, नंद कुमार साई साहब हैं इसके अध्यक्ष एनसीएससी के, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद के केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो बाय द प्रेसिडेंट ओनली, संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है। वो डाउट ये है कि मतलब ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, तो इसका आंसर भारत की संसद के दोनों सदनों से संबोधन के उपरांत उपराष्ट्रपति द्वारा, इसका आंसर सी करेक्ट है, ठीक है। बी ए और बी में, ए और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, मैंने ए बता दिया पहले, इसका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो सी आप थोड़ा सा देख लेना इसको। आगे चलते हैं, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है। वह संसद एक अधिकारी नहीं है पर राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है, ठीक है। वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी जो सीधे सांसद के प्रति जवाबदेही नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की तिथि बता देंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 राज्य के गठन के साथ ही बन गया था। आगे चलते हैं 27 पे, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग परामर्श नहीं लेता है, तो सिविल सेवाओं के ट्रांसफर पे नहीं लेता, बाकी सब पे लेता है, आंसर डी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है, तो ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, 300 इसका आंसर जो हो जाएगा 317 में दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, जैसे अभी ऊपर डिस्कस किया संवैधानिक बॉडी है। राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही होंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो 148 में दिया हुआ है। सीएजी के बारे में बात, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत केक के पद को सृजित किया गया, तो केक के पद को सृजित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। अभी ऊपर ही देखा हमने, आर्टिकल 148 में ही दिया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, इसलिए इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सीएजी निम्नलिखित में से एक मित्र मार्गदर्शक होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो गया ये, पीएससी का, लोक लेखा समिति की। सीएजी कार्य करते हैं, किसे कार्य करते हैं, ये लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। भारत में आर्टिकल मैच द कॉलम करना 138 सीएजी करेक्ट है, कार्य की शक्तियाँ भी ठीक है। अंकेशन प्रतिवेदन जो है वो 151 में आएगा, 152 में नहीं आएगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, तो 338 बना है एससी के लिए, और एसटी के लिए बना है 338 ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 16 330 से 342 का संबंध किससे है, तो लोक सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण तथा एंग्लो भारतीय समुदाय, और एंग्लो भारतीयों की मैं आपको बता दूं कि हटा दिया गया, अब इनकी जो एक सीट जो रिज़र्व होती थी लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में भी कुछ सीटें रिज़र्व होती थी, तो एबॉलिश कर दिया उसको, ठीक है, अभी किया एबॉलिश 2020 के अंदर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 5 वर्ष का तो नहीं होता है, ठीक है, 5 वर्ष का नहीं होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है, और NHRC का भी कार्यकाल घटा दिया 2019 से, हटा के अब 3 कर दिया गया है,
आगे चलते हैं। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। तो क्या नहीं है कारण? तो ऋणग्रस्तता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से कहाँ पर नहीं है? तो भोपाल में है, जयपुर में भी है, रांची में भी है, देहरादून में नहीं है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति भोपाल में इसलिए दिया गया, एससी का नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का नहीं है, भोपाल में इसलिए दिया क्योंकि मध्य प्रदेश में आप लोग जानते हैं ट्राइब ज़्यादा है, 21% है लगभग। आगे चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे एक प्रस्तुति मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी सारे स्टेचुरी बॉडी है, निम्न दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? दंडात्मक कार्रवाई की शक्ति प्राप्त नहीं है। सिविल कोर्ट की तो है, ठीक है, समन जारी करने की भी है, ये जो कार्रवाई है ये आपका जुडिशियल कोर्ट ही दे पाएगा। आगे चलते, किसी जाति अथवा जनजाति के अनुसूचित जाति तथा जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति का संपन्न अधिकार किसको रहता है? तो प्रेसिडेंट को रहता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस संवैधानिक संशोधन के तहत अस्तित्व में आया है? तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, 61st से सिक्किम आया है। ठीक है, 89th इसका आंसर है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और NCST आपको NCBC बताना है आपको किस अमेंडमेंट से आया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन इनमें से किस तिथि को हुआ था? ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, 19 फरवरी 2004 को हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, 19 फरवरी 2004 को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपेगा और फिर राष्ट्रपति लोकसभा में रखेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, तो कर लेते हैं विचार। इसे प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। ठीक है, चेयरमैन के बारे में, बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 1995 होगा, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रख रही है, और मोटा मोटा भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब सिंपल कैटेगरी में है लेकिन अच्छा फैक्ट है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है, राज्य सरकार को सौंपेंगे अपना। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वित्त प्रतिबंध इनमें से किस माध्यम से होगा? तो इसका आंसर जो होगा राज्य की संचित निधि से होगा, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से होगा। सॉरी, एक सेकंड, इसको करेक्ट करते हैं हम लोग। 50 का आंसर जो डी हो जाएगा, राज्य सरकार के अनुदान द्वारा होगा, स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट से होगा। ठीक है ना, तो सॉरी फॉर देट, 50 का डी होगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना आप इसको, एक मिनट। किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो ये अच्छा बढ़िया, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन था, विधानसभा में निर्वाचन की तारीख कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। सिविल सेवकों को प्राप्त संविधान संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो 311 वाला दिया हुआ है। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आर्टिकल वाले क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, इनमें गलतियाँ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो आपको रटे हैं तो रटें, अदरवाइज थोड़े से टफ तो होते हैं ये। ठीक है, मतलब जो मेजर आर्टिकल नहीं है अगर वो पूछ लेते हैं तब। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थाई जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाएगा? तो कौन कराएगा? CAG करवाएगा, सिंपल क्वेश्चन। संघ की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षक प्रतिवेद किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं अब। केंद्रीय सतर्कता आयोग की शक्ति निम्नलिखित में से किस एक विस्तारित है? तो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सतर्कता प्रशासन के अधीक्षक तक। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो अभी हमने देखा निर्वाचन आयोग के दिए हुए में से, बाकी रिजर्व बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, 100% शेयर है इसमें गवर्नमेंट का। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अलग चीज़ है, स्टेचुरी बॉडी है, सूचना आयोग भी स्टेचुरी बॉडी है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत में निर्वाचन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, सिंपल था क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 58th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक सेकंड। निम्नलिखित में से किन निकायों के संविधान में उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा।
ठीक है, तीनों का नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी नहीं है, योजना आयोग का भी नहीं है, और क्षेत्रीय परिषदों का नहीं, वित्त आयोग का डेफिनेटली है। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ठीक है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो 15वां, जैसे मैंने आपको बताया कि एनके सिंह है अभी इसके प्रेजेंटली चेयरमैन, आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 280 मैंने बता ही दिया आपको। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग अपनी सिफारिश प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है? नाउ ये अच्छा क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा टफ हो गया फाइनेंस कमीशन से संबंधित। तो इसका आंसर जो है वो 281 हो जाएगा, 281 के अंदर में करता है। ठीक है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष उपरोक्त में से कौन से? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो केसी नियोगी साहब थे। और केसी नियोगी साहब के बारे में बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश सरकार में एमपी गवर्नमेंट ने एक कमीशन और बिठाया था इनका, क्रिश्चियन मिशनरीज़ की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर। तो इनकी जो रिपोर्ट आई थी क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, ये रिपोर्ट को लेकर वो थोड़ी सी इन्होंने रिजल्ट दिया था कि इनकी एक्टिविटी थोड़ी सी संदिग्ध है। ठीक है, ऐसा इनका जजमेंट था। तो केसी नियोगी एमपी गवर्नमेंट ने इनकी एक्टिविटी के लिए एक कमीशन भी बनाया था। तो ये मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहीं पड़ी थी तो याद आ गया। तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी साहब थे। रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष उपरोक्त में से कर ही लिया है। तो भारतीय संविधान में महान्यवादी का संबंध किस अनुच्छेद से? तो 76 एडवोकेट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, एडवोकेट जनरल जो होते हैं आपके स्टेट में होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के वर्तमान महान्यवादी कौन है? तो वेणुगोपाल साहब हैं, के वेणुगोपाल, अभी तो शायद तक चेंज नहीं हुए, यही हैं करंटली प्रेजेंट डे तक भी। महान्यवादी केंद्र कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, देखते हैं। संसद में दोनों सदनों की बैठक में भाग लेता है, बिल्कुल, ये तो सब फैक्ट पढ़ते ही हैं। उसे निजी विधिक कार्यवाही करने से रोका जा सकता है? नहीं, इसको नहीं रोका जा सकता। ठीक है, वो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सरकार द्वारा अपॉइंटेड है वो ऑफिस, उसको मतलब अलग से पैसा मिलता है लेकिन वो एक पोस्ट नहीं हैंडल करता है, मतलब सिलेक्ट होके नहीं आता, वो सरकार बदलती तो वो भी बदल जाते हैं, करने से रोका जा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये गलत है, नहीं रोक सकते उसको। तो पहला और दूसरा तो सही है ही। ठीक है, भारत में अब तक कितने महान्यवादी चुने जा चुके हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वो पूछ रहा है कि अभी जो वेणुगोपाल साहब थे वो कौन से नंबर के थे? तो अभी तक 15 चुने जा चुके हैं। ठीक है, भारत में महान्यवादी को पद से हटाया जाता है काय के द्वारा? ऑन दी रिकमेंडेशन, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर। सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। 76 में महान्यवादी है, हाँ। 88 में राइट टू महान्यवादी के हैं, महान्यवादी की शक्तियाँ। 165 में जो दिया हुआ है, महान्यवादी के भत्ते नहीं दिए हुए हैं, 165 में कुछ और दिया हुआ है, स्टेट से संबंधित जानकारी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, महाधिवक्ता के उपबंध से संबंधित है। ठीक है, उपबंध से संबंधित है, वेतन भत्ते नहीं दिए हैं। भारत में महान्यवादी नियुक्ति करता है तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। सिंपल क्वेश्चन। राज्य में महाधिवक्ता कितनी अवधि के लिए? महाधिवक्ता जो है नो फिक्स्ड टेन्योर, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है एडवोकेट जनरल का, और सरकार बदलती है तो ये भी बदलते रहते हैं, सरकार के आदमी रहते हैं कुल मिला के। राज्य के महाधिवक्ता होगा, इससे संबंधित अनुच्छेद है, क्या है इससे अनुच्छेद संबंधित? 165 है, अभी अपन ऊपर देखा ही। ठीक है ना, भारत में महाधिवक्ता से संबंध कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, राज्य विधायिका में मतदान का अधिकारी, ये इनको पावर नहीं रहते हैं, विदाउट एंटाइटल टू वोट रहते हैं ये लोग, बिना वोट के अधिकार के सदन में जा सकते हैं। करेक्ट देखना है तो सभी कथन सही हैं, अब आप पढ़ लेना एक बार पॉज करके वीडियो। राज्य महाधिवक्ता के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करेगा? तो गवर्नर करेगा राज्य के वेतन भत्ते का। कौन सा महाधिवक्ता कार्य सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, सरकार की अनुमति के बिना वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव कर सकता है, ये सही नहीं है, बाकी आप देख लेना। 97th संविधान संशोधन अपने निम्न से संवैधानिक स्थिति का संरक्षण प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है? सहकारी समितियों को। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक स्थिति इससे ही आई थी। ठीक है, 9 पार्ट 9 आया था, पार्ट 9 बी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है।
भारत में किस वर्ष सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पुराना है काफ़ी, 1912 का है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित संगठनात्मक ढांचों में से भारत में किसका अनुसरण सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है? तो फेडरल स्ट्रक्चर है भैया, लोअर लेवल पे काम करती है सोसाइटी। ठीक है, सहकारी ऋण समितियों की जमा पर ब्याज दर का फैसला निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार करता है, रजिस्ट्रार एक कमिश्नर का, रजिस्ट्रार और कमिश्नर एक ही लेवल का, मतलब एक ही पोस्ट रहती है। ठीक है, तो अधिकारी होता है वो करता है। भारतीय संविधान में राजभाषा किस अनुसूची में वर्णित है? तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज लिस्ट लैंग्वेज मेंशन है। ठीक है, लिस्ट जो है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट और सेंट्रल लिस्ट, वो 7वीं अनुसूची में। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आर्टिकल 351 में जो है वो उच्च न्यायालय की राजभाषा से संबंधित नहीं है, वो आर्टिकल 351 जो है वो आपका इमरजेंसी से संबंधित, हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देशन से संबंधित है। ठीक है, हिंदी भाषा से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? अरुणाचल में इंग्लिश चलती है, ये आपको पता होना चाहिए था, मतलब बता रहता है मोटा मोटा, लूसेंट वगैरह में दिया रहता है। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो इंग्लिश नहीं है। ठीक है, सारी है, डोगरो, सिंधी, कश्मीरी भी इंग्लिश नहीं है। डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पारित हुआ था 1985 में ही, और गंगा प्राधिकरण भी 1985 में आया था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण का उल्लेख है? तो 323 सब क्लॉज ए में मेंशन है। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण का चेयरमैन कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त। ठीक है, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं हम 89th पे, कौन सा सत्य है? आर्टिकल का मैच द कॉलम है, तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब आर्टिकल आप लोग देख लेना, 330 में रिजर्वेशन के बारे में बात करी गई है, विधान सभा 330 में एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन की बात करी है, अब वो हटा दिया गया है उसको। कौन सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद केंद्र एवं राज्यों की संपदा संपदा अधिकार का दायित्व बाध्य कराता है? पार्ट पूछा है इसने, तो आंसर हो जाएगा पार्ट 12, आर्टिकल 294 से 300 तक। ठीक है, पार्ट और आर्टिकल वाले क्वेश्चन टफ रहते हैं, मैं बताया आपको। राष्ट्रीय हरित अभिकरण की स्थापना कब की गई? तो 2010 में की गई, और भारत जो है तीसरा देश है, पहला जो है न्यूजीलैंड है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरा जो है हमारा भारत है। राष्ट्रीय हरित अभिकरण क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है भोपाल में है, पुणे में भी है, और कोलकाता में भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश निर्णय अधिनियम कितने दिन के अंदर निपटाना रहता है? इनको कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं आप? ठीक है, तो 90 दिन, 3 महीने, ये मतलब जनरल, आप हाई कोर्ट, कोर्ट में भी अगर कुछ मैटर रहता है और उस पर जजमेंट आ जाए तो आप ऊपर की कोर्ट में 3 महीने के अंदर अंदर अपील करें तो सुनवाई होती है, और 3 महीने की बात करते हैं तो उसको जजमेंट जो होता है वो फिर अपील नहीं की जा सकती। 262 में आर्टिकल में, ये आर्टिकल आप इम्पॉर्टेंट इसको याद कर सकते हैं, इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर डिस्प्यूट के बारे में इस आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी अनुसूची वाला सवाल अच्छा है, 7वीं अनुसूची में ही मेंशन है। ठीक है, सहकारी समिति बोर्ड के सदस्य एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है। बोडो, डोंगरो, मैथिली, संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 2003 में जोड़ा गया। ठीक है ना, टफ क्वेश्चन था फैक्चुअल। हिंदी को किस वर्ग में रखा गया? तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा अभी तक डिक्लेयर नहीं करी गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये ऑफिशियल पर्पज़ से यूज़ हो सकती है, राजभाषा है लेकिन राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है। ठीक है, इनके से ही संबंध है, ऊपर 2 बार बता दिया मैंने आपको वित्त आयोग से। और कौन चुनाव आयोग से संबंधित है? तो ऑल ऑफ दी अबाउ। ठीक है, चंद्रा साहब, पहले सुनील अरोरा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, अब चंद्रा साहब हो गए। ठीक है, और राजीव कुमार भी इलेक्शन कमिश्नर है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चंद्रा साहब हो गए आप, आज की डेट में बता रहा हूँ, तो उपरोक्त कभी इस करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आप लोग, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू वेरी मच।